मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हमारा न्यू चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। तो मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नंबर्स, नोइंग अवर नंबर्स के बारे में जान लिया मैंने, ठीक है। होल नंबर्स पढ़ लिया, प्लेइंग विद नंबर पढ़ लिया। उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने मिस किए होंगे फिफ्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में, ठीक है। तो आप इसमें अभी कवर कर सकते हो। देखो, कॉन्सेप्ट से ही हर चीज़ आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। मैथ को सीखना है तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो हर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज इस कॉन्सेप्ट ने सीखे थे इंटीजर्स। तो भाई, इंटीजर्स एक वर्ड एक ऐसा है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता, अभी जितने ही अभी मैंने जो डिस्कस किया था वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर के बारे में किया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब पॉजिटिव नंबर को भी लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को भी लेंगे बेटा, ठीक है, समझे। नेगेटिव नंबर को भी लेंगे, समझ में। पॉजिटिव को भी लेंगे और नेगेटिव को लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। जब इन दोनों को मिला दिया जाता बेटा, जब इन दोनों को मिला दिया जाता तो हमारा बनता है इंटीजर्स। क्या बनता हमारा बेटा? इंटीजर्स, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन को अगर जानते हो, अगर नंबर लाइन हम ऐसे ही बनाए तो आप उससे बहुत कुछ समझ लोगे, ठीक है। ये बेटा जीरो है, इसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा क्या है, ठीक है। ये हमारा वन है, ये बेटा टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, ये फाइव है, ठीक है। ये माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाएगा तो आपको पता है, कहीं तक एंड नहीं है इसका जाने का, कहीं तक जा सकते, ठीक। क्लियर बेटा? अब बेटा मुझे क्या करना, ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको आपको अच्छे से पता, क्या बोलते बेटा? नेचुरल नंबर्स, और इनको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। बेटा जब जीरो को इंक्लूड कर दिया, इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया तो बेटा ये होल नंबर हो जाता, आपको अच्छे पता है, होल नंबर। अब जाना, होल नंबर को कभी भी पॉजिटिव नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि जो जीरो है ना, जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव में आता है। इसको जीरो इंटीजर्स बोलते। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। तभी तो बोला इसको मैंने अलग से समझ लिया, ठीक है। अब ये जो बेटा है हमारे, इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ये बोल सकते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, इसे समझ। इसको भी बोल सकते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए? ये हमारा एक फिगर है जिस पे हमें आप पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो अगर हम राइट साइड मूव करें, क्या राइट साइड, तो नंबर विल बी, नंबर विल इंक्रीज का साइन यानी बढ़ता है, ठीक है। अगर बेटा लेफ्ट साइड जाए, ठीक है, तो क्या नंबर विल बी, नंबर विल डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, बात समझे। अगर जीरो के मूवमेंट अगर राइट साइड करते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड करते हैं नंबर हमारा घटता है, यानी डिक्रीज होता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? तो इंटीजर्स की अगर आपको डेफिनेशन बेटा कोई पूछा जाए, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर और जीरो को हम जब इंक्लूड कर देते तो हमारा क्या हो जाता,
इंटीजर्स बन जाता। तो आपसे कभी अगर पूछ लिया जाता कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये फिर पॉजिटिव नंबर बोल दो, ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या वन से स्टार्ट होते बेटा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये होता है, ठीक है। ऐसा अगर पूछा जाए तो अब ऐसे उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट 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 डॉट, ये सो ऑन आगे तक जाएगा, ठीक है। और जीरो जीरो की बोल, जीरो इंटीजर से भी इसको नहीं बोलना बेटा, ठीक है। जब इन तीनों को मिला देते तो हमारा क्या है इंटीजर्स बन जाता। तो आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल गया। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, जो माइनस वाले माइनस नंबर को और प्लस वाले नंबर को हम उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आगे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब पहला जो टॉपिक है हमारा साइन ऑफ इंटीजर, हम कोई नंबर बताएंगे और कंडीशन देंगे, उसके पीछे कोई वर्ड में लिखा होगा, तो आपको बताने हैं इस नंबर के आगे माइनस आएगा प्लस आएगा। जैसे हम कहें कोई 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 बंदा है बैंक से डिपॉजिट करता है, ठीक है, डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और जमा करता है प्लस में आएगा, ठीक है। या किसी बंदे को लॉस हो रहा तो लॉस का मतलब क्या है, नेगेटिव का साइन है तो माइनस आएगा। तो ऐसी हमारी सिचुएशन होगी तो उनके अकॉर्डिंग हमें साइन रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये चीज होगी। दूसरा बेटा हमें क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन का रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ, नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम कोई नंबर बताएंगे तो आपको उस पर रिप्रेजेंट करना पड़ना है कि वो लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। दूसरा बेटा का कंपेयर ऑफ इंटीजर्स, हमें जब ये पता चले नंबर, हमें पता चल जाएगा कि हमारा लेफ्ट साइड वाले नंबर हमारे छोटे होते हैं, राइट साइड वाले नंबर हमारे बड़े होते हैं, यानी ग्रेटर होते हैं और ये हमारा स्मॉलर होता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, कंपेयर कर सकते हैं नंबरों का, ठीक है। उसके बाद आएगा फाइंड इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर, हम कोई आपको इंटीजर्स दे देंगे, दो इंटीजर्स दे देंगे, आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आपको फाइंड करना, दो इंटीजर्स दे दिए माइनस टू फाइव, तो इनके बीच में बताइए कितने इंटीजर्स हो रहे थे। तो हमारे बेटा माइनस वन है, अभी जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर, तो इन दोनों के बीच हमारे इतने इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अच्छे से पता, अभी तक अब इस पता है, ये वर्ड समझाने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं, नंबर लाइन का यूज करके उनका एडिशन कैसे करना, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने ये कोर्स खरीद लिया है और चाहते हैं ये कोर्स दूसरों को भी प्रॉफिट हो तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो जिनका कॉन्सेप्ट वीक है, अभी आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो मेरा इतना प्रॉमिस है आप सिक्स क्लास में ये चीज़ आपके डेवलप हो जाएगी कॉन्सेप्ट वाली, तो सेवन्थ में एट्थ में इन तीन क्लास में आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, क्लियर। सिक्स सेवन्थ एट्थ इन तीन क्लास में आपको किसी क्लास में टॉप करने से, और ये क्लास आपकी अगर मैथ आपने अच्छे से कर लिया तो नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ, ये चीज आपके लिए बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने इस पर अच्छे से वर्क कर लिया बच्चों तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज फील की है। जब से मैथ अच्छा होता है तब से हर चीज अच्छी नहीं लगती। तो आपको अगर इंटीजर्स के बारे में पूछा जाए तो
तो आपके माइंड में इतने टॉपिक आने चाहिए कि इन पे हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाई वन, ठीक है। ये साइन ऑफ इंटीजर्स हो गया, रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स, वन नंबर लाइन हो गया, कंपेयर ऑफ इंटीजर्स हो गया, फाइंडिंग इंटीजर्स बिटवीन टू नंबर्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बहुत अच्छे टॉपिक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, तो आपने ये चीज आपने देखी होगी बेटा, अगर ऐसा कहीं देखा हो, ऐसा साइन कभी लिखा देखा हो, ये जो मॉड का साइन होता है, मॉड इसमें कोई भी नंबर का चाहे माइनस का डालो तब प्लस का डालो, बाहर उसको प्लस का ही आना है, ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका साइन चेंज कर देना, अगर प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ये चीज करना, मतलब साइन का एडिटिव करना है ना, ठीक है, एडिटिव ऑफ, एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स है, एडिशन ऑफ एडिटिव, अच्छा ये लिखा है एडिटिव इनवर्स, ये लिखा, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है, ये चीज आपको पता नहीं, और ये तो इन चीज़ों से बढ़ से आपको तो पहले ही से पता है एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, और बहुत अच्छे लेवल से करेंगे बेटा। अगर आपने ये चीज़ आपने कर ली तो सेवन क्लास में इंटीजर्स आपको 80% आ जाएगा, ये मैं जानता हूँ। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मिसिंग हैं, वो एट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप सिक्स क्लास में हो तो आप सेवन्थ का भी साथ में लेके चलो, आपको अगर टाइम बच जाता है तो उसके भी साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखते चलो, ठीक है। और जो बच्चा सेवन्थ में है वो तो एट का, वो तीनों क्लास का लेने की कोशिश करें, जिससे बहुत चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे बच्चों को सिंपल भी मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम साइन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इन पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप कैसे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ एक बात और है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल से विजिट हुए थे तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है YouTube चैनल से बहुत सारी बुक मैंने पैनल कराते जा रहा हूँ, तो वहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान दोगे, ठीक है।